अनुपमा में आए दिन कोई ना कोई नया ट्विस्ट आता ही रहता है, जिसकी वजह से ये सीरियल काफी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। और जल्द ही आप सभी को इस सीरियल में एक और नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जिसमें आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किंजल डिंपल को थप्पड़ मारेगी, जिसे देखकर समर शॉक्ड हो जाएगा। पर आखिर किंजल डिंपल को थप्पड़ क्यों मारेगी और आखिर डिंपल ने ऐसा क्या किया है, चलिए जानते हैं। मगर ये सब जानने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी अनुपमा सीरियल में ये तो देख ही चुके हैं कि अनुपमा के बेटे समर और डिंपल की शादी मुश्किलों से ही सही पर फाइनली हो चुकी है। और शादी के बाद अब अनुपमा के घर में शादी के बाद की रस्में चल रही हैं, जिसके चलते घर में काफी हरा भरा माहौल बना हुआ है। साथ ही सभी काफी खुश हैं, मगर इसी हरे भरे और खुशी से भरे हुए माहौल को डिंपी एक बार फिर से खराब करने वाली है। जी हाँ, दरअसल आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि डिंपी किंजल के पास जाएगी और उसे कहेगी कि आपने हमें सबसे छोटा कमरा दे दिया है और उसके ऊपर समर और मैं एक साथ भी नहीं रह सकते। इसके अलावा भी डिंपी किंजल से काफी कुछ कहेगी, जिसका किंजल को काफी बुरा लगेगा। और ये बहस बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि किंजल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और डिंपल की बदतमीजी का जवाब एक जोरदार थप्पड़ से देगी। जी हाँ, डिंपल के खींच कर थप्पड़ मारेगी, जिससे समर काफी हैरान परेशान रह जाएगा। और वही ये बात अनुपमा तक भी पहुंच जाएगी। उसके बाद ये देखना होगा कि आखिर अनुपमा क्या करेगी और क्या डिंपल किंजल को ऐसे ही छोड़ देगी। ये सब तो आपको सीरियल देखकर ही पता चलेगा। वेल दोस्तों, आपके हिसाब से किंजल ने डिंपल को थप्पड़ मारकर सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।